So let me start today's class exercise 2.12. So we have discussed exercise 2.12 related to board marks. देखिए कल भी कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी board marks में. देखिए B O D M A S ये हमारा क्या होता है? देखिए बहुत ही ध्यान से समझना, इससे related questions आएंगे आपके objective part में. देखिए हर एक का अपना एक मीनिंग होता है. बी बी मीन्स क्या होता है? ब्रैकेट्स. अब ब्रैकेट्स भी कई प्रकार के होते हैं, आपके फोर्थ क्लास में नहीं दे रखे, लेकिन हमें नॉलेज के लिए हमें ध्यान रखना है. स्मॉल ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड लास्ट होते हैं कर्ली ब्रेसेस. ये चार तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं. ठीक है, तो जब हमारे क्वेश्चन में आते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. अब ब्रैकेट्स में कुछ भी दे रखा हो, क्या प्लस दे रखा हो, माइनस दे रखा हो, लेकिन हम सबसे पहले ब्रैकेट्स ही सॉल्व करते हैं. ओ एफ ऑफ, ऑफ मीन्स जब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे 2/5 ये दे रखी है, फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, तो हम उसे ऑफ के थ्रू सॉल्व करते हैं. डी मीन्स डिवाइड, ठीक है, इसके बाद हम डिवाइड सॉल्व करते हैं. एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन. लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में है वो क्या दे रखा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही दे रखा है. मैंने आपको स्टार्टिंग में कल भी बताया था कि हमारे इन सारी चीजों को नॉलेज में रखना है. आपको नाम ध्यान में होने चाहिए, ये मैंने आपको नाम नहीं लिखा है. बी मीन्स ब्रैकेट्स, क्योंकि ब्रैकेट्स में मल्टीपल ब्रैकेट्स है हमारे पास, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट से बताया. ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में. एम मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, ए मीन्स एड या एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन. ओके, अब ये देखिए कि आप लोगों के जो सिलेबस में है वो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बाकी के नहीं है. मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है और ब्रैकेट भी नहीं है. लेकिन ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये मान के चलो फोर्थ के बाद से आपके ये बोर्ड मार्क्स काम में आएंगे. हो सकता है आगे मल्टीप्लीकेशन के चैप्टर हो तो उसमें भी आ जाए. जब एक साथ मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन तीनों के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, तो उस समय हमारे को सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, एडिशन सॉल्व होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा. अभी हमारे पास दो ही चीजें, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले एडिशन सॉल्व करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है. ये आपको चीज ध्यान में रखनी है. सबसे पहले हम एडिशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे. तो लेट मी डिस्कस अगेन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन. सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 5,15,740 प्लस 3,94,000 माइनस 2,99,999. ये थ्री क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है. अब आप ये देखिए कि इसके अंदर अगर यदि कोई, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कोई नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं दे रखा हो तो हम उसको क्या मानते हैं? एडिशन मानते हैं. 5 लाख के साथ कोई भी साइन नहीं है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है. आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ठीक है, ये वाला. तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई भी किसी के साथ साइन नहीं दे रखा है तो आप उसको क्या मानेंगे? एडिशन ही मानेंगे, पॉजिटिव नंबर मानेंगे. एडिशन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं, ठीक है. तो हम इसको क्या मानेंगे? एडिशन ही मानेंगे. तो 5,15,000 की प्लस की वैल्यू है और 3,94,000 के साथ तो हमें प्लस दे ही रखा है साइन, ठीक है. तो हम इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5,15,740 में 3,94,000 को हम क्या करवा देंगे? प्लस करवा देंगे, ठीक है. तो 0, 4+0, 4, 7+0, 7, 5+4, 9, 9+1, 10, 0, कैरी ऑफ 1,
5 plus 3, 8 plus 1, 9. The 9 left 9740. ये आपके पास एडिशन वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करवाएंगे। तो क्या करेंगे आप, देखो माइनस की वैल्यू क्या है, 2,99,000 है, तो 9 लाख से छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे, 9,09,740, ठीक है। तो 2,99,999 इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपको पता है जीरो में से हम माइनस नहीं कर सकते लाइन को, तो अगेन हम बोरो करेंगे 10, 4 की जगह 3, 10 माइनस 9 1, 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, अगेन बोरो करेंगे 7 से, 7 की जगह 6, 13 माइनस 9 4, 6 माइनस 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो 9 की जगह 8, 16 माइनस 9 7, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता 18, जीरो की, अब जीरो को बोरो कर नहीं सकता, हमने 9 से लिया, 9 की जगह क्या हो गया 8, और जीरो की जगह क्या हो गया 10, 10 ने 9 को बोरो किया तो क्या हो जाएगा 10 9। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जीरो यदि बोरो नहीं कर सकता है तो हम पास वाले नंबर से लेंगे, पास वाले नंबर में अगर जीरो को बोरो किया है तो 10 हो जाएगा, 10 दोबारा पास वाले नंबर को बोरो करेगा तो 10 की जगह क्या हो जाएगा 9। 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 2 6, 6,09,741। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये आपकी सब्ट्रैक्टेड फाइनल आंसर है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सबको? अब देखिए हम नेक्स्ट, ये वी विल डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.12। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सुमित हैड 2,63,520 इन हिज बैंक अकाउंट। सुमित के पास, सुमित के अकाउंट में 2,63,520 अमाउंट है। दे ही विथड्रॉ 15,263 ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन उसने 15,263 अमाउंट अपने निकाला, विड्रॉ मीन्स निकालना, एंड 20,000 ऑन द नेक्स्ट डे, और उसके अगले दिन उसने 20,000 अमाउंट निकाला है। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में कितना अमाउंट बचा। तो लेफ्ट आ रहा है, आप अपने बुक में अंडरलाइन करेंगे, लेफ्ट आ रहा है तो माइनस करेंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो अमाउंट उसने निकाला है टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 2,63,520। ये तो उसके अकाउंट में जो पड़ा हुआ अमाउंट है, रखा हुआ अमाउंट है, वो बताया कि टोटल अमाउंट कितना है, लेकिन जो उसने जितनी बार विड्रॉ किया है, जितनी बार अमाउंट निकाला है, वो तो माइनस हो रहा है। तो हम पहले जो विड्रॉ अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो प्लस का अमाउंट आएगा उसमें से हम टोटल अमाउंट में से उसको माइनस करवा देंगे। ओके, अब देखिए कैसे करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, सुमित हैड मनी इन अकाउंट, मनी इन अकाउंट, ओके। तो उसके अकाउंट में कितना अमाउंट है, रुपीज 2,63,520, ये इतना अमाउंट हो गया, ठीक है। ये तो उसके अकाउंट में रखा हुआ है। अब उसने जो अमाउंट निकाला है, क्या निकाला है उसने, फर्स्ट डे He withdraw on the first day. He withdraw 15,263, ठीक है। फर्स्ट डे उसने कितना निकाला है, 15,263।
Second is withdraw on second day. Second day कितना निकाला उसने? रुपीज 20,000. अब हम क्या करेंगे? टोटल विड्रॉ अमाउंट को हम प्लस करेंगे, ठीक है? तो टोटल विड्रॉ अमाउंट, तो विड्रॉ अमाउंट का मतलब ये है कि जो जितना आपने निकाला है उसको हम प्लस करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 15,263 में 20,000 को प्लस करवा देंगे, ठीक है? हम दोनों अमाउंट को, विड्रॉ अमाउंट जो है उसको हम प्लस कराएंगे, तो क्या आएगा, 3+03, 6+06, 2+02, 5+05, 2+13. 35,263. तो अब टोटल अमाउंट कितना है, 2,63,000 है. तो हम इसमें से जो टोटल विड्रॉ अमाउंट है उसको हम माइनस करवा देंगे, ठीक है? तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 2,63,520. ये तो टोटल अमाउंट हो गया. विड्रॉ अमाउंट कितना हुआ, 35,263. इसको हम माइनस कराएंगे. जीरो में से थ्री माइनस नहीं हो सकता. अगेन 10, 2 की जगह क्या बचा, 1. 10 माइनस 3, 7. 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो 11. और 5 की जगह 4. 11 माइनस 6, 5. 4 माइनस 2, 2. 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 13. और 6 की जगह 5. 13 माइनस 5, 8. 5 माइनस 3, 2. And 2 as it is. 2,28,257 rupees. Okay? ये उसका left amount है. Is that clear? Final जो हमारा answer है, उसके amount में, उसके account में कितना amount बचा है? 2,28,257. Clear? Yes, you endless क्यों कर रखे बेटा आपने? टोटल अमाउंट उस पर रखा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि सुमित के अकाउंट में कितना अमाउंट रखा है, 2,63,520 rupees उसके अकाउंट में रखे हैं. फर्स्ट डे वो 15,263 अमाउंट निकालता है, सेकंड डे 20,000 निकालता है, तो लास्ट में उसके पास कितना अमाउंट बचा है, तो जो वो निकालता है उसको हम पहले प्लस कराएंगे, क्योंकि जो निकाला हुआ अमाउंट है वो हमें पता होना चाहिए कि उसने कितना निकाला है, तभी तो हम टोटल अमाउंट में से उसको माइनस करा करके निकालेंगे. लास्ट में होगा माइनस ही, लेकिन हम उसको पहले जो विड्रॉ अमाउंट है उसको हम प्लस कराएंगे, उसके बाद उसको टोटल अमाउंट में से हम उसे माइनस करवाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी is 5,63,200. Hello, ma'am. Ma'am, मेरे को और ही डी वाला भी क्वेश्चन वन का डी नंबर है ना. इसमें क्वेश्चन नंबर टू देखिए, the population of a city is 5,63,120. एक पॉपुलेशन है सिटी की 5,63,120 population दे रखी है. There are 2,43,628 में. उस city में, उस population में से 2,43,628 तो man है और 1,26,231 woman है, ठीक है? And the remaining are children. जो बच्चे हुए हैं वो बाकी सारे क्या है, children है.
तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी, हमें सिटी के चिल्ड्रंस के नंबर पता करने हैं कि कितने हैं। देखिए हमें एक सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है कितनी है, उसमें से नंबर ऑफ मेंस दे रखे हैं और वुमेन्स दे रखे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। जब हमें टोटल अमाउंट दे रखा हो और पर्टिकुलर उसी में से ही उसके पार्टीशन कर दिए गए हो, क्योंकि देखिए तो पहले रफली समझ लीजिए पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन है जितनी है 5,63,120 पॉपुलेशन, ठीक है। इसी पॉपुलेशन में से वो ये कह रहा है कि मैन भी दे रखा है, ठीक है, इसी पॉपुलेशन में से उसने वुमेन भी दे रखा है, ठीक है, और इसी पॉपुलेशन में क्या इंक्लूड है, चिल्ड्रन। बट हमें क्या है, चिल्ड्रन हमें नहीं पता है कि चिल्ड्रन कितने होंगे, तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मैन और वुमेन की पॉपुलेशन को हम प्लस कराएंगे, जो हमारे पास पॉपुलेशन आएगी उसमें से टोटल पॉपुलेशन को माइनस करवा देंगे, ठीक है, उससे हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैन और वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का भी पार्ट है। इसी का भी देखिए नंबर ऑफ मैन कितने, नंबर ऑफ मैन, मैन की पॉपुलेशन कितनी है, 1,26,231, ठीक है, एंड नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, नंबर ऑफ वुमेन 2,43,000, मैन के जो 2,43,000 है, 2,43,628, ठीक है, और वुमेन की है 1,26,231, ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्लस करेंगे, ठीक है, तो मैन प्लस वुमेन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम प्लस करवा देंगे 2,43,628 में 1,26,231 को हम प्लस करवाएंगे, तो क्या नंबर आएगा, 8+1 9, 3+2 5, 6+2 8, 6+3 9, 4+2 6, 2+1 3, तो क्या बन गया 3,69,859, ये जो पॉपुलेशन आई है मैन और वुमेन को मिला करके। अब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन है 5,63,120। इसमें से जो मैन और वुमेन का जो हमने प्लस किया उसको हम माइनस करवा देंगे 3,69,859, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे, ठीक है, तो जीरो में से 9 माइनस नहीं हो सकता, गौरव करेंगे 0 की जगह 10 और 2 की जगह 1, 10 माइनस 9 1, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, अगेन गौरव 11, 1 की जगह 0, 11 माइनस 5 6, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, अगेन गौरव 10 और 3 की जगह 2, 10 माइनस 8 2, 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 12 हो गया इधर और 6 की जगह 5, 12 माइनस 9 3, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, अगेन गौरव 5 की जगह 4 और इधर 5 की जगह 15, 15 माइनस 6 9, 4 माइनस 3 1, 1,93,261 हमारे पास क्या हो गए, चिल्ड्रन, क्या हो गए, चिल्ड्रन, ठीक है, 1,93,261 इज चिल्ड्रन। तो अब देखिए दोबारा से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को,
हमारे को एक शहर की टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 5,63,120। उसमें से मैन की पॉपुलेशन दे रखी है 2,43,628। वुमेन की पॉपुलेशन दे रखी 1,26,231। हमें फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैन और वुमेन की जो पॉपुलेशन है उसको हम प्लस करा देंगे, क्योंकि ये दोनों इसी टोटल पॉपुलेशन का पार्ट है। तो मैन और वुमेन को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 3,69,800। इसमें से हम टोटल पॉपुलेशन को माइनस करवा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे 1,93,261। ये हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब देखिए सी क्वेश्चन है थर्ड। 2 years अगो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 9,34,025। 2 साल पहले एक टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 9,34,025। इट इंक्रीज बाय 13,405 इन द फॉलोइंग ईयर। अब यदि हम यदि इंक्रीज करते हैं तो यदि वो इंक्रीज होकर के 13,405 यदि उसकी एक साल में यदि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और उसके नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो जाती है 20,395। एक साल तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 13,405 और उसी के नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो जाती है 20,395। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द 3 years। और 3 साल के अंत में आते हुए उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे। देखिए, एक पॉपुलेशन तो दे रखी है पूरे उसकी टाउन की पॉपुलेशन, आपको टोटल पॉपुलेशन दी गई है। टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 9,34,025। ठीक है, ये पॉपुलेशन टोटल दी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि उससे नेक्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इट इंक्रीज बाय 13,405। इतनी तो इंक्रीज हो रही है बट नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज बाय कितने डिक्रीज हो रही है, 20,395। कह रहा है कि लास्ट में आते आते कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, जितनी इंक्रीज हो रही है ठीक है और डिक्रीज भी हो रही है 20,395 और टोटल पॉपुलेशन आपकी दी गई है 9,34,025। इसको यदि हम टोटल पॉपुलेशन को यदि हमारे पास दी भी है, क्योंकि 2 साल की पहले की पॉपुलेशन बताई है और पूछी कितनी है, 3 सालों की पूछी है, तो हम क्या करेंगे कि जब 2 साल की पूछ रहे हैं और 3 साल की जो पॉपुलेशन है ठीक है, इसमें से क्या होगा, जितनी इंक्रीज हो रही है 13,405 से इंक्रीज की जा रही है और डिक्रीज कितनी हो रही है 20,395। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को पहले तो हम प्लस करेंगे 13,405 एंड 20,395। इसको हम क्या करा देंगे, प्लस 5 + 5 = 0 + 1 9 + 1 = 0 4 + 3 = 7 + 1 = 8 3 2 + 1 = 3। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका टोटल पॉपुलेशन है 9,34,025 में से इसको हम माइनस कराएंगे 33,000
800, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता 10, ठीक है, और इधर 3, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, और 9 as it is, 9,225, ओके, ये क्वेश्चन मैं दोबारा से आपको फ्राइडे को समझाऊंगी, ठीक है, अगर यदि आप, थैंक यू एवरीवन, if you have any doubt, you can ask me.